<clears throat> very good evening, class 4. Now, today we have a very, very nice and wonderful story. Unit 4: Marigold Alice in Wonderland. One day, Alice was lying under a tree listening to her sister reading a story. Well, Agdin, Alice at a gachar niche, तार बोन एट गल्पना सुन चिलो। तो एक दिन एलिस पेड़ के नीचे बैठे बैठे अपनी दीदी जो एक कहानी का किताब पढ़ रही थी उसको वो सुन रही थी सडनली सी सॉ अ व्हाइट रैपिड स्कैम्पर बाई अचानक से उसने देखा कि एक सफेद खरगोश जो है पास से भागता हुआ जा रहा है खरगोश पास blue coat उसका गुलाबी आखे थी उसकी और एक ब्लू कोट हुआ था उसने यू कैन सी इन दिक्चर एक ब्लू कोट पड़े से रैबिटा चो pink टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे सेट ओ डियर आई विल बी टू लेट तो उसने अपने पॉकेट से जो वेस्ट कोट है उसके पॉकेट से एक क्लॉक निकाला पॉकेट क्लॉक छोटा घड़ी बड़ा सा इट्स नॉट एक्चुअली स्मॉल इट्स अ बिग वॉच यू कैन सी इन द पिक्चर और उसने टाइम देखा ও জলদি জলদি হরিডাইভে মিন্স জলদি জলদি চলতা বোলা ও ডিয়র আই উইল বি টু লেট হে ভগবান বা হে আই বি টু লেট লেট হয়ে যাউঙ্গা আমি অনেক আমার দেরি হয়ে যাবে ঘড়িটা বার করে সে বড় ঘড়িটা বার করে সে নিজের সঙ্গে কথাটা বললো যে আমার অনেক দেরি হয়ে যাবে শিথ দেওয়াজ সামথিং ভেরি ডিফরেন্ট অ্যাবাউট দিস র্যাপেড মিন্স অ্যালিস তো সোচা ভাই কিছু তো আলাদা হ্যাস র্যাবেট মেয়ে অ্যালিস ভাবল যে কিছু একটা আলাদা ব্যাপার আছে এই র্যাবটের মধ্যে কিছু একটা আলাদা জিনিস আছে আই কুড ইট কুড টক ইট ওয়োর আ রেড ওয়েস্ট কোট অ্যান্ড ইট ক্যারিড আ ওয়াচ তো হোয়াট ওয়াজ ডিফারেন্ট কী আলাদা ছিল ভাই কথা বলছিল লাল একটা ওয়েস্ট কোট ছিল ইউ ক্যান সিন দ্য পিকচার হাতে ঘড়ি ছিল এরম তো নর্মালি হয় না है ना बोल सकता था लाल वेस्टकोट पहना हुआ है हाथ में घड़ी था ऐसा नहीं होता है तो इसलिए उसको अलग लगा एलिस वॉन्डर्ड अ टॉकिंग रेबिट सोचने लगी एलिस वॉन्डर्ड मीन सोच भापते लाग लो एलिस सोचने लगी भाई बोलता हुआ रैबिट अ रैबिट हु वेस्ट कोट एक खरगोश जो कि वेस्ट कोट पहनता है एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरसिटी एंड सी फॉलोड द व्हाइट रैबिट एट इज अः बार्णिंग उथ किसिटी बार्निंग विथ जलना किुररसिटी मिथ जिज्ञासा तो वो उसके मनी मन में बहुत जिज्ञासा बहुत सारी चिंताएँ बहुत सारे प्रश्न अनेक चिंता भावना मन चल रही ए भावते भावते क्यों से रैबिटा के फलो कर लो तर पिछने पिछने गलो पीछे पीछे उस रैबिट के गेई रैबिट स्टार्ट रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट तो रैबिट जो है भाई भागने लगा और एलिस भी उसके पीछे पीछे जाने लगी द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन लार्ज रेबिट होल तो अचानक से एलिस एक बड़ा जो गड्ढा है रैबिट रेबिट लोग बड़ों में रहते ना गड्ढों में तो उसके अंदर गिर गई तो रेबिट जो है उसके अंदर घुस गया सॉरी रैबिट एक बड़े रैबिट होल के अंदर पॉप्ट यानी घुस गया अंदर एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू वो भी कूद गई रैबिट होल में से रैबिट होल लाफ ही होलो द रैबिट बेन डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन द रैबिट होल रैबिट के अंदर अंदर चलता गया चलता गया गिरता गया, गिरता गया गया भेतर भेतर जित ही थकल रैबिट्टा एलिस सेड अलाउड जोर एलिस बोल लो वेर एम आई हाउ मेनी माइल्स डाउन आई हैव हैव आई फॉलन कितना मील दूर मैं नीचे आ गया हूँ कतो माइल दूर हमें नीचे पड़े गे आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ बोल मन हमें मन हम एकदम पृथ्वी माजखने चले जाब ऐसा लगता है कि पूरे पृथ्वी के बीच में चली जाऊंगी मैं शी वंडर्ड सोचने लगी विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड क्या मैं यहाँ से फिसल के पृथ्वी के दूसरे तरफ चली जाऊंगी अभी कि स्लिप हुए पृथ्वी ओमनों दिखे चले जाब थम्प एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राइड लीव्स. तो एलिस क्या है पाइल मीन्स ढीप बहुत सारा पत्ता इकट्ठा हुआ था उसके ऊपर उस ढेर के ऊपर पत्तों के ढेर के ऊपर वो गिरी छिलुकट अराउंड क्विकली एंड सडनली द वाइट रैबिट अगेन तो उसने जल्दी से आसपास देखा तो उसने देखा फिर से वही सफेद खरगोश था देख लो पास अच्छी इट डिस डिस मीन्स गायब हो जाना अदृश्य हो जावा तो जाते जाते क्या बोला ओ माई इयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग ओ मेरे कान और विस्कर्स क्या जो मुझे ऐसी रहती है खरगोश की तो उनसे बोला कितना लेट हो रहा हूं मैं आई लिस्ट टू डॉप एंड सॉ स्मॉल डोर अबाउट फिफ्टीन इंचज हाई तो एलिस खड़ी हुई उसने देखा छोटा सा दरवाजा पंद्रह इंच यानी जैसे प्लास्टिक का स्केल होता है हमारे बॉक्स में वैसा इतना बड़ा उतना ही बड़ा गेट था इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू बहुत छोटा था उसके अंदर जाने के लिए अनेक छोटे छिलो और जिते पाड़ ना। शी saw ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट तो उसने क्या देखा है ग्लास कांच का टेबल और उसके ऊपर एक सोने का चाबी था সি ট্রাইড দ্য লিটল গোল্ডেন কি ইন দ্য লক অ্যান্ড টু হ্যাড ডিলাইট ইট ফিটেড তো ও কী করলো সেই চাবিটা তুললো এবং সে যে লকটা ছিল সেখানে লাগালো এবং সেটা ফিট হয়ে গেল টু হ্যার ডিলাইট মিনস সে খুব খুশি হলো যে বাহ যাক তালাটা খুললো অ্যালিস ওপেন দ্য ডোর অ্যান্ড লুকড ইন টু দ্য লাভলিয়েস্ট গার্ডেন শি হ্যাড এভার সিন অ্যালিস দরজাটা খুললো ইউ ক্যান সিন দ্য পিকচার এবং তার জীবনে যে সব থেকে সুন্দর গার্ডেন দেখেছে সেটাই দেখতে পাচ্ছিলো सुंदर गार्डन दिख रहा था उसको हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स तो हाउ शी लॉन्ग टू लॉन्ग मैंने तार मन हो इच्छा कर सूंदर सुंदर फ्लावर चक चक फ्लावर कर गले कतो भात जो थकतम हाँ उसकी इच्छा हो रही थी लॉन्नी नहीं आशा हो रही थी इच्छा हो रही थी कि काश में उन फूलों के बीच में होती सुंदर जो फाउनटेन फबारा है वहाँ पर में होती कत तो भलो होत बट शी कूड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोर वे लेकिन वो अपना सर भी वहाँ से नहीं निकाल पा रही थी जो छोटो दर्जा टा छो ताते माथा टा बारकूदते बात छिलो न ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर शी एक्सक्लेम्ड लाउडली तो बोल लो ओह oh, काश मैं छोटा हो जाती या छोटी बन जाती तो मैं इस दरवाजे से निकल जाती जोर से वो एक्सक्लेम मीन्स जोर से बोलना अपने आप से जोरे निजे के बोल लो आह यदि हमें तो छोटो होता हम पहले ये घंटे के बेरी ही देता Adapted from फ्रॉम द in Wonderland by Lewis Carroll। तो in Wonderland बड़ी किताब है उसमें से ये लिया गया है ना वन होमवर्क आई एम गोइंग टू गिव एज यूजल जामन दियामी टुमारो दो कमिंग आई वी लास्ट का रीडिंग ऑफ दिस चैप्टर और आज क्या करोगे आप लोग इसमें से टी स्पेलिंग इस चैप्टर में से तीस स्पेलिंग कॉपी में लिखोगे पिक्चर भेजोगे मेरे को और उनका रीडिंग करके आप रिकॉर्डिंग करके भेजोगे दिस इज योर होमवर्क त्रीसटा स्पेलिंग थर्टी स्पेलिंग विल राइट रीडिंग करबे जेटा लिखबे से पढ़ाबे और जरा रिकॉर्डिंग करबे से पढ़ाए एंड योर रीडिंग मस्ट भी गुड एंड राइटिंग मस्ट भी वेरी गुड थैंक यू वेरी मच